लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या सोच रहे हो? हमारे बेटे किसी खतरनाक मुजरिम को पकड़ने गए हैं। भगवान न करे उन्हें कुछ। मेरा दिल घबरा रहा है। मेरे बच्चों को मेरे पास ले आओ। घबरा नहीं सुमति, तीसरी अदालत से हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये लो। चलो राजेश, हमें ये फोटो फॉरन आईजी साहब के पास पहुंचाना है। एक बार फिर सोच ले भाई, क्या तीसरी अदालत से टकराना ठीक होगा? अरे डरते क्यों हो भाई, अब तक मैं अकेला था, कभी किसी से नहीं डरा। लेकिन अब तुम मेरे अपने सगे भाई मेरे साथ हो, हम दोनों सारे जमाने से भी टकरा सकते हैं। चलो। अरे भाया, तय का कोई बहन का टका सका भाई भी है, ई मन्ने को पता चला ढेर खुशी हुई। क्या चाहिए तुम्हें? मन्ने की भाई बंदी सिर्फ दौलत से है। देख बाबूआ, तय मन्ने को वो हीरे दे दे, नहीं तो तय दोनों भैयाओं को मन्ने जमीन में जिंदा करवा दूं। क्या हीरे तुम्हें नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि वो हीरे तीसरी अदालत के पास है। तीसरी अदालत? यकीन नहीं आता तो ये फोटो देखो, जुआना को मार के वो हीरे ले गया। ये तो हमारा पुराना ड्राइवर बलवंत है। बलवंत? अरे भाया, मन ने तो इसे बहुत बड़ा अमीर आदमी सेठ करमवीर के नाम से जाना है। करमवीर? इसका मतलब ये हुआ कि तीनों रूप एक ही आदमी के हैं। अरे भाया, ये बहन कटका बैग में चप्पल देने वाला है, तय इसका यकीन मत करियो। इसके झूठ और सच का फैसला तो हम पड्डे पे ले जाके करेंगे। फिलहाल तो ये तीसरी अदालत के लिए हमें तीसरी चाल चलनी पड़ेगी। ले चलो इन दोनों को। चल 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 चल। तीसरी अदालत तेरी बहन का टका। बहन के टका? अबे बनिए, मार दूंगा तुझे अगर तूने कुछ किया तो। साले तेरा। महेश अंकल, वो दोनों घर पर नहीं है। घर पर नहीं? कहाँ गए होंगे? आप घर चलिए, हम उन दोनों को ढूंढ के लाते हैं। Don't worry, I'll try to find them out. जी। डॉक्टर प्रकाश, ये सब क्या हो गया? कौन आया था यहाँ? कुछ गुंडे तुम्हारी तलाश में आए थे, तुम्हें यहाँ ना पाकर मेरी हजार कोशिशों के बावजूद भी सुमति भाभी को उठा कर ले गए। गुंडे? कौन गुंडे? कौन थे वो लोग? वो मन्नत ताय को बताता हूँ, तीसरी अदालत। तू कौन है आराम से? अरे भाया, मन्ने वो बहन के टके बलबीर और रणबीर का दूत हूँ, वही ताय के पुराने मालिक। वो कुत्ते अभी तक जिंदा हैं? हाँ भाया, कभी कुत्ते भी जल्दी मरे हैं। हाँ वो जिंदा है। और मन्ने ताय को एक और बात बताऊँ, ताय की धर्म पत्नी उनका कब्जे में है। क्या बके? कहाँ है मेरी धर्म पत्नी? हरामजादे कुत्ते की औलाद बता कर, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। अरे अरुण के चक्कर में मन्ने का क्रिया क्रम कर रहा है। अरे मन्ने की गर्दन चोर, वरना मेरी धोती खुल जाएगी। मैं तेरे जैसे की धोती नहीं खोलता कुत्ते, तेरे जैसे की खोपड़ी खोलता हूँ। अरे मन्ने की खोपड़ी खोलने से क्या फायदा? अरे भाया, जरा ठंडे दिमाग से सोच। अगर मन्ने तय का जवाब लेकर उधर दो घंटे के अंदर अंदर ना पहुंचा तो वो कुत्ते तय की धर्म पत्नी को जान से मार देंगे। क्यों निकले ऊंट पहाड़ के नीचे से? बोल साले, कैसा जवाब चाहिए तुम्हें? अब आना तय लाने पे। रणबीर और बलबीर का सोना लेकर तय 9:11 हो गया था। कल ठीक 5 बजे तय वो सोना लेके घोड़ बंदर के किले पहुंच जाइयो, वहां से कटे जाना है। मन्ने तय को बताओ। और हाँ, वो डाकू जी, मन्ने का मतलब है वो बहन का टका डाकू ज्वाला सिंह जी के हीरे है, वो भी लेकर आयो। आएगा ना? हाँ माँ के टके
किसी बहन के टके के हीरे जवाहरात मेरे पास नहीं है। नहीं है? राजेश और महेश तो कह रहे थे कि वो हीरे तय के पास है। राजेश और महेश कहाँ हैं वो? वो बहन के टके भी उन भेड़ियों के कब्जे में है। वो कह रहे थे कि वो चमचमाते वो हीरे तय के पास है। मैंने कह करूं भाया, तय तो अच्छी तरह से जाने कि रणबीर और बलबीर लालची कुत्ते हैं। सोने और हीरे के वास्ते वो अपनी सखी माँ का खून कर दे। अगर टहना है ना भाया, मन डर लागे कहीं तय की धर्म पत्नी का खून ना कर दे। मार! तेरी वजह से मेरी बेटी बागी हो गई। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी कांप जाएगी। अरे मौत तो तय की काम जाएगी। वो बहन का टका तीसरी दालत कभी भी टपक पड़ेगा हीरे लेके। उसकी चिंता मत करो जयचंद, वो उस वक्त तक चूहे से भी बदतर है जब तक उसकी पत्नी हमारे कब्जे में है। आया, तय काम कर, वो बुढ़िया को बुला के अपनी आंखों के सामने धर लियो। तूफान से ज्यादा तेजी है उस सांड में। लोगाई की मौत का डर ही उस बहन के टके को कंट्रोल में रख सके। तू यू समझ कि वो बुढ़िया जो है ना, वो हमारी ढाल है। समझो कि नहीं समझो? लेकर आओ उस बुढ़िया। चल दे। मैं राजेश हूँ माँ। माँ, माँ मुझे पहचाना नहीं? माँ मैं राजेश हूँ। ये देख, ये महेश है मेरा सगा भाई। हाँ माँ। महेश, मेरे बच्चों, छोड़ दो मुझे। राजेश, मेरे बच्चों। हराम जादो, छोड़ दो हमारी माँ को, छोड़ दो। छोड़ दो मेरी माँ को। राजेश, छोड़ दो मुझे। मुझे अपने बच्चों के पास जाने दो, छोड़ दो मुझे। ठीक हो गई माँ? तुझे सब कुछ याद आ गया? हाँ, तेरे पिता ने मुझे सब कुछ याद दिला दिया। पिता ने? इसका मतलब तीसरी अदालत? तुम्हारे सगे पिता का बदला हुआ नाम है। और उसका असली नाम है बलवंत, है? है ना? दोनों वही राक्षस हो ना जो उस दिन मेरे घर आए थे और मेरे घर में आग लगाई थी। हाँ बिल्कुल वही। तुम्हारे देवर को मारा भी हमी ने था और तुम्हारे पति को फसाया भी हमी ने था। कमीनों कुत्तों, तुम्हारी वजह से हमारा खानदान बर्बाद हो गया। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बंद हो इसको। खबरदार जो मेरी बात का हाथ लगाया। तू तो मरने का भी बाप निकला। मैंने तो सोचा था सिर्फ तीसरी अदालत की लगाई हमारे कब्जे में है, पर इके दोनों पिल्ले भी हमारे कब्जे में है। अब चूहा तो चूहा, वो तीसरी अदालत साला कछुआ बनकर आ गया यार। तीसरी अदालत को नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
हाथ तूने तोड़ा था, याद है? अब यही हाथ तुझसे उगलवाएगा कि हीरे कहाँ है। और ये टांग भी तूने ही तोड़ी थी ना, अब इसी टांग से तेरे बदन की एक एक हड्डी तोड़ूंगा। बोल बोल कहाँ है रे, बोल बोल साले को, बोल मारो साले। मैं बताता हूँ हीरे कहाँ है। नहीं है, किस नहीं, वो हीरे देश की अमानत है, इन कुत्तों के हाथ नहीं लगेंगे। लेकिन ये कुत्ते हम पर हाथ उठाए, ये हम नहीं देख सकते। मुझ पर हाथ उठाकर ये अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। एक बात सुन लो हरामजादो, जब तक तुम तीनों के जिस्म के मैं टुकड़े टुकड़े नहीं कर लूंगा, इस शरीर से दम नहीं निकलेगा। अच्छा, तू ऐसे नहीं बताएगा, तुझसे कैसे उगलवाना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब तुम उससे पूछो हीरे कहाँ है, पूछो। हमें मत मार, हम तुम्हें अपनी सारी दौलत देने के, हमें मत मार, माफ हमें दो, हमें माफ कर दूं। तीसरी अदालत के फैसले से आज तक कोई नहीं बच सका, आज तुम दोनों को खत्म करके मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होगा, मेरे छोटे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं,
जान ले ले हीरे दे दे हीरे दे दे हीरे दे दे अरे मने हीरे दे दे तीसरी अदालत अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो साहब आपसे एक विनती है इस धरती से रणबीर और बलवीर जैसे पापियों का खात्मा कर दीजिए नहीं तो फिर कोई बलवान अपनी तीसरी अदालत बनाकर खड़ा हो जाएगा मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं मिस्टर टंडन इन्हें गिरफ्तार कर लो आई एम सॉरी सर इन्हें गिरफ्तार करने का मुझे कोई हक नहीं क्यों क्योंकि तीसरी अदालत के कई कारनामों में मैंने भी साथ दिया है इसलिए मैं खुद भी अपने आप को कानून के हवाले करता हूं सर इंस्पेक्टर रामावतार यस सर इन दोनों को गिरफ्तार कर लो सर इजाजत हो तो एक मिनट में अपने परिवार से मिल लूं ओके सुमित जी हैश अपनी माँ का ख्याल रखो